बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलबुल्लाहवत अल्लाह समद लम जलत वलम जुलत वलम युकुल्लहु कुफ्वन अहद। मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं चाहता हूँ असेंबली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियाँ और सीटीडी के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरनगर पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे का कमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियाँ थी। चुंगी चौक को इन्होंने कमाल बनाया, आज दिन से भी ये हराम कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता और मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो गई है कि मेरा जुल्म यही को जगह मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूँ। मैं वर्कर क्लास से आया हूँ और मेरा यही गुनाह है कि हम इमरान खान के साथी हैं। इन्होंने कितने दिनों से मेरे ऊपर एक केस था, मैंने मुल्तान बेंच से जो है ना जमानत कराई, फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरगढ़ से भी आके एक जमानत करा ली थी, उसकी अधूरी जमानत करा ली थी और कोई कोर्स नहीं, उसके बावजूद मैं इस हेड पे रह रहा था। आज रात इन्होंने छुप का मुजहरा किया है, मैं कभी सोच ही नहीं सकता और मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया है। और मैं उसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं सबसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी हम अपनी इज्जत उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि इतनी सीटीडी की गुंडागर्दी के लोग उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं। ये खुफिया एजेंसियाँ इंतहाई बेगैर मुजहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार दे, मैं इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूँ। और मैं मुझसे मरने ऐसे इज्जत जो है ना गई है, घर की है और चादर छात दीवारी की है, मैं गोली कबूल करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ खुदा के वास्ते। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते, इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ चुका चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की, अब हमारे घर इज्जत महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो, चीफ जस्टिस साहब आप हमें गोली मार दे खुदा के वास्ते। हमें हमारी इज्जत नहीं बची, हमें ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी और आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों, सो खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते, मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामजदगी कर चुके हैं, जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट ली, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया और मेरा हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ दी। इतना ही कितनी का बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कहूंगी असेंबली के इलेक्शन जीतने वाले शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफी शख्स वो मुसलमान ना हो, सोची उस मुल्क के बारे में, मेरा जीना मरना ही पाकिस्तान है, मगर मेरी इस हालत में जो कुछ किया है इन्होंने किया। और मेरे दोस्तों अजीजों, आ जाओ वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ फिर मुझे मारे, आए मुझे दिल को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन हरामजादों ने इनमें गलत नहीं है, ये गंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये दिंदे हैं, ये दिंदे से बदतर हैं, ये गंभीरी हैं, ये भेड़िया से बदतर हैं, ये नौजरी हैं, इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों और तो को नंगा करें और ये इतना जुल्म करें, लाना जिंदगी के तरी मुल्क के घर क्या जा रहे हैं, लाना थे सिलेक्शन पे, हमें सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस गैर नवाज शरीफ को बिठाओ, इस गंजर को बिठाओ, इस सरदारी को बिठाओ, इन्हें मुल्क को लुटाए, इनको बिठा दो, इनको सीटें दे दो और ये भी